वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ त्रिनिशा और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ अजियो से कुछ अफोर्डेबल जंपसूट्स। तो ये जो जंपसूट्स हैं वो शॉर्ट लेंथ वाले हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए थे कुछ अफोर्डेबल फुल लेंथ वाले जंपसूट्स। तो या इस वीडियो में हम शॉर्ट लेंथ वाले जंपसूट्स की बात करने वाले हैं। ये सारे जंपसूट्स जो हैं वो सारे अफोर्डेबल रेंज के हैं। सारे 600 और 700 के अंदर ही हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड किसी भी जंपसूट ने नहीं किया है। सो अगर आपको इन जंपसूट्स इनमें से कोई भी जंपसूट अच्छा लगता है और अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, उनका लिंक वहीं पे प्रोवाइडेड है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट जंपसूट है हमारा वो है कुछ इस तरह से। ब्लैक कलर का जंपसूट है ये, आप देखो नज़दीक से, ये इस तरह से है। इसमें जो है आपको स्ट्रैपलेस मिल जाती है, एडजस्टेबल स्ट्रैप मिल जाती है आपको इसके साथ। इसका जो फ्रंट है वो वी में है और इसका जो बैक है वो स्क्वायर कट है, जो कि ज़्यादा डीप नहीं है। और इसके साथ आपको एक अच्छी बात ये मिलती है कि आपको यहाँ पे जिप मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जब आप वेयर करें तो आराम से इसे अनजिप करके पहन सकते हो, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आता। इसकी फिटिंग जो है वो बहुत ही सही आई है। इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ये जो इन्होंने यहाँ पे आपको फ्रंट से ऐसे करके आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये फ्रंट से ऐसे टाई करने का ऑप्शन दे दिया गया है कि आप इसे ऐसे फ्रंट से टाई कर सकते हो बोथ साइड में। तो ये बहुत ही सही लुक देता है पहनने के बाद, पहनने पे ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप कुछ अफोर्डेबल जंपसूट देख रहे हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। इसमें जो मेरा साइज़ है वो स्मॉल है, ये प्लेन ब्लैक है। इसकी जो फैब्रिक है वो भी बहुत ब्रीदेबल है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। आप गर्मी में अगर पार्टी करना चाह रहे हो या फिर मॉनसून हल्का, ज़्यादा ठंडा नहीं है, गर्मी नहीं है, स्प्रिंग सीजन है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ही ट्रेंडी लगता है, क्लासी लगता है पहनने के बाद। और ये जो है बाय द ब्रांड है ट्रेंड अरेस्ट, और या दिस इज लाइक दिस। और मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा है पहनने के बाद। ऑल्दो अगर इसमें कुछ प्रिंट होता तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता, बट इसमें प्रिंट नहीं था, कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। सो एक ही कलर ऑप्शन था ब्लैक। मेरे को इसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसे लिया है। बस एक प्रॉब्लम था इसमें, अगर आपकी थाइज मेरी तरह हैवी है हल्का, तो आपको हल्का इशू आएगा क्योंकि ये थाइज पे जाके बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही टाइट हो जा रहा है। मतलब क्योंकि मेरी थाइज हैवी है, थोड़ा बैक लोअर बॉडी मेरी हैवी है, इसलिए वो मेरे को ये इशू हर ड्रेस के साथ थोड़ा बहुत आता ही है। सो या दिस इज़ द फर्स्ट जंप सूट। इसकी लेंथ सही है, लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। अगर आप थाई रेड लेंथ की बात करो तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, अच्छा लगता है पहनने पे। दिस इज़ द फर्स्ट वन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन। जो सेकंड है हमारा वो है कुछ इस तरह से, ये है मरून कलर। इसकी कलर मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है, प्रिटी मरून, डार्क मरून में है ये, आप देखो। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये ऑल्दो ये एक जंप सूट है बट स्टिल इसमें इसका जो पैटर्न है ना बड़ा ही अजीब सा है। ये है बाय द ब्रांड बेरी लश और इसमें जो मेरा साइज़ है वो है स्मॉल। ये आपको जो मैं ऐसे दिखा रही थी ये इसका बैक है, अगर आप फ्रंट देखोगे तो फ्रंट कुछ इस तरह से है। क्या आपको भी लग रहा होगा ना ये क्या है, बट या दिस इज़ द फ्रंट। इसको इसमें क्या है ना, आपको फ्रंट में ऐसे जो इसकी लेंथ लेग वाली पार्ट है नीचे थाइज में, यहाँ आपको ऐसे ये पैंट मिल जाता है जिसमें आपको ये बटन और जिप मिल जाती है, तो इसे आप उसके अकॉर्डिंग पहन सकते हो। मतलब ये आपका हो गया थाइज वाले पार्ट का। इसकी जो लेंथ है आप देखो इतनी लेंथ है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, मतलब लेंथ सही है इसकी। सो अगर आप अब ऊपर वाले पार्ट की बात करो तो ऊपर में जो ये है आपको इस तरह से मिलता है, मतलब ऐसे अगर आप पहनो तो नीचे से आपको ये पैंट डिज़ाइन मिला और ऊपर से जो है ये आपको ऐसे रैप अराउंड मिलता है। आप इसे यहाँ से आपको दो टाई करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ से आप इसे ऐसे करके रैप कर सकते हो। पहनने के बाद ये बहुत ही प्रिटी लगता है। आप इसे पहनने के बाद आप कन्फ्यूज हो जाओगे ये वन पीस है या फिर ये जंपसूट है, क्योंकि ये आगे से पूरा रैप हो जाता है, तो ये हल्का आपको वन पीस वाला इफेक्ट देता है। और नीचे से पैंट प्रोवाइडेड है तो वो आपको जंपसूट वाला भी कंफर्टेबल वाला फील दे देता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा शॉर्ट वन पीस पहनो तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है पहनने में कि आपको अंडरनीथ कुछ पहनना होगा या फिर वैसा कुछ। या इसमें वैसा इशू नहीं आएगा, आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा पहनने के बाद। इसकी जो थाइज है वो मेरे को सही आई है, ब्लैक वाली जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी उसकी थाइज मेरे को थोड़ी टाइट आ रही थी, थाई के पास थोड़ी टाइट आ रही थी, बट इसके थाइज पे मेरे को ऐसे कोई इशू नहीं आया है। इसमें इसका जो स्ट्रैप है आपको ये भी सिंगल स्ट्रैप मिल जाता है, एडजस्टेबल स्ट्रैप दिया गया है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है अगर सिंगल स्ट्रैप में एडजस्टेबल स्ट्रैप दिया जाए तो या
इसकी कलर भी बहुत ही प्रिटी है। और अगर दोनों की फैब्रिक की मैं बात करूँ, जो मैंने आपको ब्लैक वाली दिखाई थी और ये इसकी, दोनों की फैब्रिक सेम है, पहनने पे भी दोनों का लुक ऑलमोस्ट तो सेम है, बट स्टिल इसमें आपको वन पीस वाला इफेक्ट आ जाता है, तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। पहनने के बाद कंफर्टेबल भी ज़्यादा है, आप इसे पहन के कहीं भी जा सकते हो, पार्टी कर लो या फिर कुछ भी। सो या ये मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी है, एक्चुअली ये मेरे को सबसे अच्छी लगी है। मैं जो आपको इसके बाद भी जो जंपसूट दिखाने वाली हूँ, इन दोनों तीनों में से मेरे को ये सबसे अच्छी लगी है, पहनने के बाद भी बहुत ही सही लुक देता है। सो या दिस इज द थर्ड सेकेंड वन, सॉरी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड जो है वो एक डार्क ग्रीन कलर की है। मैंने सारे डार्क डार्क कलर ही लिए, मेरे को डार्क कलर्स की तरफ ना अलग ही अट्रैक्शन है, मेरे को डार्क कलर ही पसंद आता है, इसलिए मैंने सारे के सारे ना डार्क कलर में ही खरीदे हैं। सो या ये है थर्ड। ये आपको फुल स्लीव्स मिल जाती है। फर्स्ट जब ये मेरे पास आई थी ना, आई थॉट ये कोई डिफेक्टिव पीस है क्या, ऐसे ये रैप भी बहुत गंदे तरीके से होके आई थी, बट स्टिल ठीक है, चलेगा, रैपिंग का मैं उतना बात नहीं करती हूँ। सो इसमें इश्यू ये था ना मेरे को, मैंने जब इसे पहली बार देखा तो फिर मेरे को लगा कि ये क्या मतलब डिफेक्टिव पीस है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद था यहाँ से ये कोल्ड स्लीव्स है। वन शोल्डर पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोल्ड स्लीव्स मिल जाती है, बट मैंने जब वेबसाइट पे चेक किया था तो मेरे को लगा था कि ये कोल्ड स्लीव नहीं होगा, बट मेरे ध्यान से वो चला गया था, ये कोल्ड स्लीव्स था एक साइड से। सो ये आपको एक से फुल लेंथ स्लीव्स इसमें मिल जाती है, एक साइड से आपको यहाँ पर ऐसे कोल्ड स्लीव्स मिल जाती है, और एक साइड स्लीव्स में आपको क्या मिलता है, फुल लेंथ तो दोनों साइड है आपका, एक साइड से आपको ऐसे ये स्ट्रैप वाली मिल जाती है। सो अगर आप इसे ऐसे वेयर करोगे, मैं वेयर करके आगे आपको दिखाऊंगी ये कैसा आ रहा है, तो ये इस तरह का इफेक्ट आता है आपका, ठीक है, आप देख रहे हो। सो या इसकी स्लीव्स जो है वो थोड़ी लूज आई है, मुझे वो फिट करवानी पड़ेगी, बट बाकी सब इसका बहुत ही सही है। इसके थाइस पार्ट की बात करूँ तो थाइस वाला जो एरिया है इसका बहुत ही सही आया है, मतलब अगर आपकी हैवी थाइस है तो आप जरूर एक बार इसे ट्राई करो, आपको बहुत ही सही फिटिंग आएगी इसकी थाइस की। मेरी थाइस जो है, लोअर बॉडी बहुत ही हैवी है, बट इसमें जो है बहुत ही सही से अच्छा खासा इन्होंने उसका थाइस वाले पार्ट का विड्थ दिया है, तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है पहनने के बाद और बहुत ही अच्छा दिखता है। नेक के पास आप अगर फ्रंट नेक की बात करो इसकी, तो फ्रंट नेक, फ्रंट में क्या होता है ना, फ्रंट नेक में आपको हल्का ये वी इस साइड इस टाइप का दिखता है, वी नेक है, बट हल्का टिल्टेड, राइट साइड में शिफ्टेड वी नेक है, मतलब प्रॉपर वी नहीं है, शिफ्टेड वी नेक है इसका। बैक में आपको चेन प्रोवाइडेड है, आगे से आपको इसमें एक रफल मिल जाता है, आप देखो ऐसे रफल की डिजाइनिंग मिल जाती है फ्रंट में भी, और आप अगर बैक देखो बैक में भी, बैक में आपको जिप प्रोवाइडेड है। बैक इसका आपको नॉर्मल कट है, डीप यू नहीं, हल्का यू टाइप में आपको इसका बैक का कट मिल जाता है। सो या दिस वन इज द थर्ड वन। ये मेरे को थोड़ी लूज आई है स्लीव्स के पास से, तो स्लीव्स मेरे को इसकी फिटिंग करवानी पड़ेगी। सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको लगता है आप किसी को जानते हो जिनको शॉपिंग में इंटरेस्ट हो और जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है, सो डू शेयर दिस वीडियो विद देम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।